उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई छापेमारी पर सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी, लेकर आई हूं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर नरही थाना इलाके में भरौली पिकेट और कोरनटाडीही चौकी पर ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात एडीजी वाराणसी पीयूष मोदी और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के नेतृत्व में आजमगढ़ पुलिस ने छापा मारा था। दोनों स्थानों पर ट्रकों से अवैध वसूली में दो पुलिसकर्मियों और 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मौके से 3 पुलिसकर्मी और कुछ दलाल फरार भी हो गए थे। बता दें कि 7 पुलिसकर्मियों के साथ ही दलालों पर FIR दर्ज की गई। तलाशी के वक्त लगभग 25 मोबाइल, 14 बाइक और 37,500 रुपये भी बरामद किए गए। दरअसल पुलिस की ओर से यूपी बिहार बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। भरौली पिकेट से 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, 3 भागने में सफल हो गए। वहीं कोरनटाडीही चौकी पर भी अवैध वसूली मिलने पर दबिश दी गई। यहां से भी कुछ दलाल भागने में सफल रहे। कुल 2 सिपाहियों समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर सभी को पास स्थित के मंदिर में रखा गया था। रात भर पुलिस की कार्रवाई चलती रही। बृहस्पतिवार को सुबह जिला मुख्यालय पर सूचना देकर यहाँ से बंदी वाहन मंगवाया गया। इसमें सभी आरोपियों को भरकर नरही थाने लाया गया। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद बलिया के पुलिस अधीक्षक और ASP पर भी गाज गिर गई। SP और ASP को पद से हटाया गया। इनके अलावा CO को भी निलंबित कर दिया गया है। SO समेत 18 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।